हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोग देख रहे थे प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज और इसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर रखी हुई है। जो लोग भी नए हैं उनके लिए ये हमारी टेलीग्राम लिंक है जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप उसको जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट एवरी मटेरियल फ्रॉम दिस चैनल। इसके अलावा दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियरेंस के लिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स के भी हैं, मेंस के भी हैं, जिनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेपरेट लिंक्स दी रखी हैं। अगर आपको जरूरत लगती है देन यू कैन ऑब्वियसली वॉच दैट लिस्ट। इसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग टेस्ट सीरीज। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज। दीज आर द टेस्ट सीरीज अवेलेबल, तो आप इन चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। और हम लोगों ने अभी तक देख रखा है अपनी मार्केट से रिलेटेड सारी चीजें क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिक चीजें। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देख रखी है। अब हम लोग थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चलेंगे, इकोनॉमिक्स की, और हम लोग देखेंगे कि आखिर में सिस्टम में क्या कैसे होता है। अब जैसे एक चीज मैंने आप लोग को बता रखा है, जैसे दिस इज आवर इकोनॉमी, ये हम लोगों ने बता रखा है कि ये हमारी इकोनॉमी है जहां पर पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक, इसके अलावा गवर्नमेंट होती है, इसके अलावा बैंक्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इंडस्ट्रीज हो गई, पीएसयूज हो गए, सब कुछ हो जाते हैं यहाँ पे। तो इनके बीच में आपस में लगातार ट्रांजेक्शन होता रहता है, ये सारे ट्रांजेक्शन आपस में लगातार होते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मॉनेटरी फेलियर या कई सारी दिक्कतों के कारण से हमें यूज लेना पड़ता है अपने इस आरबीआई का। आरबीआई इज नॉट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, इट इज ओनली वॉचिंग इट ओवर, ठीक है। ये एक तरीके से कह सकते हैं मॉनिटर है, मॉनिटरिंग कर रहा होता है। तो यहां पर अब सिस्टम क्या है, इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। क्यों अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं? बिकॉज दिस इज नॉट क्लोज्ड। अगर ये क्लोज होता तब तो ठीक है, लेकिन क्लोज नहीं है। अब क्या है, मतलब दिस इज कनेक्टेड विद द ग्लोबल वर्ल्ड, दिस इज कनेक्टेड विद द ग्लोबल वर्ल्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है, यार हमारे पास पैसा भी पड़ा हुआ है, हमारे पास रुपए पड़े हुए हैं, तो फिर इकोनॉमी में अप एंड डाउन क्यों आ रहे हैं? जैसे अभी मान लीजिए कोरोना का ही डिसीज फैला हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है, वो क्यों गड़बड़ क्यों हो गई है, क्यों डाउन हो जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो ऑयल की प्राइसेस है वो लगातार गिरते जा रही है, क्यों ऐसी बात है? तो यहां पर आता है इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट जिसको बोला जाता है डिमांड एंड सप्लाई। दिस इज डिमांड एंड सप्लाई। मतलब क्या है इसका, डिमांड एंड सप्लाई का? देखिए, डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल डिसाइड करता है प्राइस को, किसी भी आइटम के प्राइस को। हालांकि हम लोग इस प्रिंसिपल को बात करेंगे जब हम लोग इन्फ्लेशन का टॉपिक देख रहे होंगे, बट स्टिल इस कंसेप्ट का यूज हम लोग यहां भी कर सकते हैं। और बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या होता है कि हमारी अलग अलग इस तरीके से कर्व होती है। तो एक पॉइंट आता है जहां पर ये दोनों के दोनों मैच करती है, एंड बेस्ड ऑन दैट पॉइंट हमारी प्राइस डिसाइड हो जाती है कि हाँ ठीक है, यही प्राइस है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यहां पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड किया जा रहा होता है। अब यहां पर क्या है, ऑयल प्राइस के बारे में बात करें, ऑयल प्रेजेंट केस में डिमांडिंग नहीं है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, क्या होगा, प्राइस लगातार इसकी गिरते जाएगी, और गिरते गिरते केस ये हो जाएगा कि आज की डेट में जैसे कोई इसको पूछ भी नहीं रहा है। चलिए ठीक है, दिस इज द इकोनॉमी जो हम लोग ऑयल कंट्रीज के बारे में बात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ओपेक की है इकोनॉमी, चलिए बात करते हैं इसके बाद में। लेकिन अगर इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात करें, मान लेते हैं दिस इज क्लोज्ड इकोनॉमी, देन क्यों अप एंड डाउन आ रहे हैं? अगर इसकी मान लेते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी है तो रुपए तो वही है, इंडस्ट्री भी वही है, पब्लिक भी वही है, तो अब क्यों अप एंड डाउन आ रहे हैं? देखिए, यहां पर अप एंड डाउन आने के पीछे रीजन होता है सेक्टर ग्रोथ, सेक्टर ग्रोथ। अभी सेक्टर ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कोई हो जाता है एग्रीकल्चर हो जाता है, कोई हो जाती है इंडस्ट्री हो जाती है, कोई माइनिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स आर देयर इन द इकोनॉमी, यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। अब देखिए एग्रीकल्चर की चीज क्या है, एग्रीकल्चर दिस इज डिपेंडेंट ऑन मानसून, ठीक, ये हमारी डिपेंडेंट ऑन मानसून है, जिसके कारण से कई बार क्या होता है बढ़िया फसल हो जाती है और कई बार क्या होता है गड़बड़ भी हो जाती है। तो अप एंड डाउन यहां पर देखने को मिलते हैं बिकॉज दिस इज ज्योग्राफिकल फिनोमिना। अब देखिए एक लिंक मुझे मिल गया है, अब देखिए आगे आराम से आप बोल सकते हैं कि अब ये पता चल गया है कि ये वोलेटाइल नेचर का रहेगा। इस वोलेटाइल नेचर के रहने के कारण इंडस्ट्री भी वोलेटाइल हो जाएगी, क्यों,
बिकॉज दिस इज द बैकवर्ड लिंकेज, इंडस्ट्री के लिए ये बैकवर्ड लिंकेज बन जाता है, यानी इंडस्ट्री भी हमारी अब क्या बन गई, वोलाटाइल, ये भी हमारी वोलाटाइल हो गई। प्लस दूसरी चीज, इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना करके देगी भी, पहले तो वो तो प्रोडक्ट की सप्लाई पर भी मतलब डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अगर नहीं पहुंचेगा इंडस्ट्री पे तो प्रोडक्ट भी नहीं बन पाएगा। जैसे शुगर की बात करें, अगर शुगर कब बनेगा, जब इनके पास शुगर केन पहुंचेगा, और शुगर केन कब पहुंचेगा, जब शुगर केन की पैदावार अच्छी हुई हो। यानी शुगर के प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। शुगर को खरीदने वाली भी तो आम जनता ही है, तो आम जनता के पास पैसा कब होगा, जब उनकी एग्रीकल्चर वाले लोगों की, जब एग्रीकल्चर बढ़िया रहेगी, या जो भी नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं उनकी नौकरी चाकरी अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली दिस इकोनॉमी इज लिंक्ड विथ व्हाट, लिंक्ड विद एग्रीकल्चर एक्चुअली, या कह सकते हैं लिंक्ड विद प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ये लिंक होती हैं। अब जब ये प्राइमरी प्रोडक्ट आपका गड़बड़ होगा, ये वोलेटाइल होगा, तो आप करेंगे क्या, इसको पूरी करने के लिए या तो पूरा का पूरा इकोनॉमी ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से सारी चीजें लिंक है, या तो पूरी इकोनॉमी ही गड़बड़ हो जाएगी, या फिर या आप क्या करेंगे, बाहर से इसको इंपोर्ट करेंगे, और जैसे ही आपने इंपोर्ट किया वैसे ही आपने इकोनॉमी को ओपन कर दिया, और ओपन होते ही ये इकोनॉमी अब बाहर के जितने भी शॉक्स हैं, बाहर के जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो सारी की सारी इकोनॉमिक सिचुएशन अब इस कंट्री पर भी उसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहीं से अब इन्वेस्टर आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गया यहां पर कि इकोनॉमी अप एंड डाउन आ सकते हैं, जो कि हम लोग देख लिया है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मान लेते हैं 1 लाख रुपए प्रिंट करके रखे गए हैं, मान लेते हैं 10 लाख रुपए प्रिंट करके रखे गए हैं। अब ये 10 लाख रुपए जो प्रिंट करके रखे गए हैं, घूम तो इन्हीं लोगों के बीच में रहा होगा, फिर क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। सेक्टर वाइज तो समझ में आ रहा है, लेकिन रुपए पैसे वाइज क्या हो रही है। देखिए, रुपए पैसे वाइज इकोनॉमी के अप एंड डाउन होने का मतलब है कि रिच वालों के पास ज्यादा पैसा, पुअर वाले लोगों के पास कम पैसा। एक तो ये केस है जहां पर पैसा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा केस होता है जो हम लोग देखते हैं बैंक के रिस्पेक्ट में, ये होती है बैंक के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बैंक भी अपनी एक प्राइवेट एंटिटी या पब्लिक एंटिटी, जो भी एंटिटी, लेकिन ये बिजनेस एंटिटी है, ये एक बिजनेस एंटिटी है, और ये बिजनेस एंटिटी लगातार केवल और केवल बिजनेस करती है, मतलब ये पैसे, रुपए पैसे कमाने की ही बात कर रही होती है। यानी एक चीज क्लियर हो गया यहां पर कि इकोनॉमी में अप एंड डाउन आते हैं, तो अप एंड डाउन जैसे ही आएगा वैसे ही रिच एंड पुअर के बीच का ये जो डिवाइड है ये काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा, और इस डिवाइड को मतलब कम करने का काम इंडियन इकोनॉमी को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक वेलफेयर इकोनॉमी है। अब यानी क्या है कि इकोनॉमी को हमें मैनेज करना, और मैनेज करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है। इसी पॉलिसी को बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम लोग अलग अलग सेक्टर में जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस को हम लोग सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं इन मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। क्लियर हो गया क्या चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा टॉपिक। दिस वाज द बैकग्राउंड। अब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई टू द इकोनॉमी। अब समझ रहे हैं क्या चीज है। जैसे यहां पर सपोज इस इकोनॉमी में अगर पैसा, रुपए पैसे कम पड़ जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, तो पैसा प्रोवाइड कौन करेगा। पैसा प्रोवाइड किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, जो बाहर से इसे वॉच कर रही है। तो इनके द्वारा ये लिक्विडिटी या फिर पैसा मेंटेन किया जाएगा। दिस लिक्विडिटी विल बी मेंटेन्ड हियर। क्लियर है। तो मनी सप्लाई किया जाएगा इकोनॉमी में टू अचीव सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल। और हम लोगों ने शुरुआती क्लास में ही बात कर रखा था मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या है। ब्रॉड लेवल पे, ब्रॉड लेवल का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल मतलब की कंट्री के लेवल पे, सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल पे, तो ये हो जाती है हमारी ब्रॉड लेवल। और इस लेवल पे हम लोग रुपए पैसे या फिर कह सकते हैं मनी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्लियर। देखिए जो हमारा टॉपिक है ये मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद बैंकिंग। इनफैक्ट हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बैंकिंग टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो हम लोग आज मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, कल हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा है इसलिए बैंकिंग को हम लोग थोड़ा सा टाइम दे करके पढ़ेंगे। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में या मेंस में दोनों ही जगहों पे इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान देके पढ़ना है, सारे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। बाकी हम लोग 2 बजे वाले में अपने
2 PM वाले वीडियो में अपने क्वेश्चन आंसर देखेंगे ही तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं अपने इस टॉपिक में। क्वेश्चन ये उठता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव सीधी सी बात है, क्या होगा? मॉनेटरी गोल, ये हमारे मॉनेटरी गोल ही होंगे। और कहीं ना कहीं दिस ऑल गोल विल बी लिंक्ड विद द इकोनॉमी, हमें इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है और वही लिंक रहेगा। तो सबसे पहले हो जाता है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया, इकोनॉमिक ग्रोथ की मतलब एक्सेलरेट करना है। दूसरी प्राइस स्टेबिलिटी, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जब बन नहीं पा रहा था तो वोलेटाइलिटी आ गई थी, वोलेटाइल नेचर का हो गया था। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे दाल की प्राइस है, 2017 में इसकी प्राइस 170 180 बहुत मतलब महंगी चली गई थी। सिमिलरली जो है अभी देखे होंगे आपने कि ओनियन की प्राइस बहुत ज्यादा राइज कर गई थी। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे स्पाइसेस या बाकी जितने भी आइटम्स होते हैं उनकी प्राइजेस भी राइज कर जा रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो होती है प्राइस की वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, जहां पर ज्यादा मार जो पड़ती है वो पुअर पे ही पड़ती है। तो इस वजह से प्राइस की स्टेबिलिटी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलाईजेशन। व्हाट इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलाईजेशन? जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि जब तक इकोनॉमी क्लोज है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने इकोनॉमी को ओपन कर दिया, जो कि हम लोगों ने 1991 में किया था, जैसे ही ओपन कर दिया वैसे ही जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है उन सारी सिचुएशन की इंडिया में भी मार पड़नी शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगा। इस मार पड़ने का मतलब यह है कि इंडिया का जो रूपी है और बाहर की जो करेंसी है, मान लेते हैं डॉलर, डॉलर हो गया या यूरो हो गया, जो भी करेंसी है, इनके साथ में इनका क्या रिलेशन हो रहा है, क्या रिलेशन हो रहा है। जैसे बात करते हैं कि जनरली क्या होता था 2010 के दौरान में, जो एक रुपए मतलब कि एक डॉलर में अगर बात करें तो नियर अबाउट 50 रुपीज हुआ करते थे, 50-55 रुपीज हुआ करते थे। लेकिन यही चीज राइज करके 2011 एंड और 2012 में एक डॉलर चला गया 66 से 70 रुपए के अराउंड अराउंड में। तो इस तरीके से ये जो प्राइस वोलेटिलिटी है, ये प्राइस वोलेटिलिटी अगेन जो हमारी एक्सचेंज रेट में देखने को मिलती है, ये भी कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। मतलब इंडियन फैक्टर भी होते हैं उसमें, फॉरेन फैक्टर भी होते हैं, दोनों फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर डिसाइड हो रही होती है। अगर ये हमारा लगातार वोलेटाइल बना रहेगा, इसके वोलेटाइल बनने से हमारी क्या दिक्कत है, इसके कारण से हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत क्यों आ जाती है? क्योंकि सीधी सी बात है, प्राइजेस आर बीइंग डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू डॉलर प्राइस, और जो डॉलर की प्राइस है वो लगातार हमारे यहाँ पे चेंज होती रह रही है। कल को मान लीजिए एक ही पेंसिल खरीदने के लिए आप 2 रुपए दे रहे होंगे, हो सकता है आगे जाकर के आपको एक ही पेंसिल खरीदने के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे हो। तो प्राइस वोलेटिलिटी काफी ज्यादा आ सकती है, जैसे कि ऑयल की प्राइस में आप लोग देखते होंगे, जैसे पेट्रोल की प्राइस में देखते होंगे, पेट्रोल की प्राइस कभी 72 रुपए चल रही है, कभी 72.3 हो गई, कभी 72.4 हो गई। तो हर दिन आप देखेंगे पेट्रोल की प्राइस जो होती है वो चेंज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की प्राइस अगेन डिपेंड कर रही होती है इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, और ऑयल की खुद की भी प्राइस होती है। और हर रोज 12 बजे 12 AM रात में, इतने बजे जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं उनके रेट को कैलिब्रेट कर दिया जाता है, मतलब कि उसके रेट को मतलब लगा दिया जाता है। एंड नाउ इट इज सेम फॉर 24 आवर। हालांकि इस दौरान भी जो होती है कमोडिटी प्राइस जो ऑयल है वो चेंज कर रही है, लेकिन हम लोग इसको स्टेबल मान लेते हैं 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है एक्सचेंज रेट के स्टेबलाइजेशन के लिए, कि हमें अभी भी एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होता है बैलेंसिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए अब सीधी सी बात है कि जो रिच होंगे या फिर पुअर होंगे, दोनों के दोनों कुछ अपनी इनकी इनकम होगी, इस इनकम के साथ इनका खुद का एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस करने के बाद ये लोग कुछ अपना सेविंग्स कर रहे होंगे, इस सेविंग्स के बाद क्या होगा कि ये सेविंग्स कहीं ना कहीं जाकर के इन्वेस्ट हो रही होगी। इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही होती है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है? कल को मान लीजिए कोई स्कूटर से चलता था, फिर उसके बाद से उस बंदे ने स्कूटर के साथ साथ अपनी एक कार ले ली, तो इससे क्या हो गया, इकोनॉमी उसकी और ब्रॉड हो गई। क्यों ब्रॉड हो गई? क्योंकि सीधी सी बात है, पहले केवल और केवल उसको स्कूटर का मेंटेनेंस करना पड़ता था, नाउ अब उसे कार का भी मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या हो गया, इकोनॉमी अब और ब्रॉड हो गई। क्यों? क्योंकि अब एक ही बंदा जो स्कूटर का भी मेंटेनेंस कराता था, अब वो कार का भी मेंटेनेंस कराएगा, मतलब कि अब उसका जो उसके अंडर में जितने लोग थे वो बढ़ गए, मतलब एरिया ऑफ जो इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या होती है, इकोनॉमी और ब्रॉड हो जाती है। तो दिस इज हाउ द
इकोनॉमी ब्रॉडन, तो ये हो जाती है, पहले स्कूटर हो गया फिर अब कार भी हो गई, तो इस तरीके से इकोनॉमी ब्रॉडन हो गई। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सीधी सी बात है कि पहले आपके पास केवल और केवल स्कूटर था तो स्कूटर का मैकेनिक आएगा, कल को अगर कार आ जाएगा तो कार का भी मैकेनिक आ जाएगा। जैसे जैसे कार की डिमांड बढ़ती आएगी वैसे वैसे मैकेनिक की भी डिमांड बढ़ती जाएगी, मैकेनिक की डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग मांग कर रहे होंगे कि भाई मेरी कार खराब हो रही है, मुझे मैकेनिक चाहिए, मुझे मैकेनिक ला के दो। तो नहीं नहीं ट्रेनिंग नहीं नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो दिस इज हाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स। देखिए अगर कई बार क्या होता है कि आप लोग बोलते हैं या कोई भी बोलता है इनफैक्ट कि जो होता है इस बार वैकेंसी 700 आई है, फिर उसके बाद 800 आई है। देखिए ये वैकेंसीज तो हर साल ही इतनी आती है, इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थोड़ी ना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो तब होगा ना जब 700 800 आ रही थी, अब आ रही है कितनी 1200 1300। तो इस तरीके से जो चीजें आएंगी तब जाके बोलेंगे कि हाँ ठीक है यहाँ पर 200 और 300 का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया गया। ये कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थोड़ी ना है, आपको लास्ट ईयर से कंपेयर करना पड़ेगा कि कितने एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट की है एक्स्ट्रा, या फिर बेस ईयर के बेसिस पे आप बोलेंगे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया आपने एक्स्ट्रा। ये थोड़ी ना होता है कि इस साल कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो नहीं वैकेंसी आ रही है मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट छोड़िए खत्म आपने कर दिया जितनी चल भी रही थी। समझ में आया क्या चीज है? चलिए खैर, तो दिस इज हाउ द थिंग इज, ये हमारा बेसिक्स हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स क्या क्या है। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब अभी मैंने आप लोग को बताया कि दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। एक हो सकता है जहां एक्सपैंड कर रही हो, जहां पे एक्सपेंशन हो रहा हो, जहां पर एक्सपेंशन करने का मतलब एक ही आदमी था पहले स्कूटर रख रहा था, अब वो स्कूटर के साथ साथ कार भी रखना शुरू कर दिया, तो स्कूटर के साथ साथ अब वो कार भी रखना शुरू कर दिया, कार का मैकेनिक, कार का मेंटेनेंस, कार की दुकानें सब कुछ हो गया, सिमिलरली स्कूटर वाली चीज थी। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इसकी इकोनॉमिक जो एरिया है, इकोनॉमिक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वो वाइडन करते जा रहे हैं, दिस इज हाउ दिस थिंग ग्रोज। लेकिन दूसरा होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट करती जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन में का मतलब क्या है कि एक आदमी था पहले, वो क्या करता था, उसके पास स्कूटर भी था और उसके पास कार भी था, अब उसके बाद उसने क्या किया, कार को उसने सेल कर दिया। कार को सेल करने के बाद एक आदमी के पास चला गया, इसका इकोनॉमिक एरिया जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसका जो पहले इतना बड़ा एरिया था अब वो छोटा होकर केवल और केवल इतना ही रह गया, दिस थिंग, ये केवल इतना ही रह गया। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी इसकी कॉन्ट्रैक्शनरी हो गई है और कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हुई होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई होगी, तभी इसने ऐसा काम किया है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है जहां पर एक्सपेंशन हो रहा होगा, दूसरा जहां पर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी और जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हम लोगों ने जब इकोनॉमी की बात की थी तो हम लोगों ने इकोनॉमी में बात किया था कि एक्सपेंशनरी इकोनॉमी, एक्सपेंशनरी, और इस एक्सपेंशनरी में हम लोगों ने बात किया था दो चीजें, एक टैक्स कम से कम लिया जाता है और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी जाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी जाती है। मतलब क्या है कुल मिलाकर के, कुल मिलाकर मतलब यह है कि मार्केट में पैसा ज्यादा लॉन्च कर दिया जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी काफी हो जाती है, लिक्विडिटी हाई हो जाती है। वही अगर बात करें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर क्या होता है टैक्सेस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी ज्यादा कम कर दी जाती है। इसके कारण से होता क्या है कि यहां पर जो भी मार्केट में पैसा था वो मार्केट में पैसा अब लगातार कम होते जाता है, लिक्विडिटी क्रंच हो जाती है, लिक्विडिटी क्रंच। ठीक है, ये सारे टर्म आपको देखने को मिलेंगे, इस वजह से लिखा जा रहा है। तो लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिल जाती है, यानी कि यहां पर मार्केट में पैसा नहीं और यहां पर मार्केट में बहुत पैसा है। तो यहां पे एक चीज समझ में आ गई कि दिस का मतलब क्या है, मार्केट में पैसा, मार्केट में पैसा, क्लियर। अब पैसा रहेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, मार्केट में पैसा रहेगा तो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक होता है रेपो रेट होता है, या फिर कह लीजिए कि जो होता है बैंक रेट होता है, इसी तरीके से मतलब CRR वगैरह होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्या चीज होती है, ये देखिए क्या होती है, ये फेवरेबल हो जाती है। मतलब कि ये फेवरेबल होने का मतलब क्या है कि मार्केट में इसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण से मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है। तो मार्केट में पैसा जब ज्यादा आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, जब बैंकिंग टर्म अभी थोड़ी देर में ही बात करेंगे इसके बारे में, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी क्या चीज है। मार्केट में जब पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफी ज्यादा हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे ही ज्यादा होगा वैसे ही और भी चीजें होती जाएंगी, है ना, तो बाकी और भी डिमांड, जैसे क्या है ना कि अब यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा, मतलब कि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, सप्लाई रिलेटिवली कम है,
तो सप्लाई रिलेटिवली कम होने के कारण से क्या होगा कि आगे जाकर के ये इन्फ्लेशनरी मेजर लेकर के आएगा, इन्फ्लेशनरी मेजर। लेकिन एक चीज है, दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी। क्यों गुड फॉर इकोनॉमी? क्योंकि लगातार एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन बढ़ते आ रहा है, गुड फॉर इकोनॉमी। ठीक है, नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी, नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बाकी सारी चीजें हो रही होंगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करें तो यहां पर क्या है, मार्केट में पैसा नहीं है, नो पैसा इन मार्केट, मार्केट में पैसा नहीं है। पैसा ना होने के कारण से क्या होगा, जितने भी ये चीजें होंगी वो यहां पर क्या हो जाएंगी, जो फेवरेबल यहां थी वो यहां पर क्या हो जाएगी, डिसफेवरेबल हो जाएंगी। यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा, यहां पर ये प्रॉब्लम चीजें निकल के आ जाएंगी। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहा था वो एम्प्लॉयमेंट अब कटना शुरू हो जाएगा, मतलब कि यहां पर क्या होगा, फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोगों को निकालना शुरू हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई में क्या हो जाएगा, सप्लाई अगेन बहुत ज्यादा है तो प्राइजेस गिरना शुरू हो जाएंगे, प्राइजेस गिरना शुरू हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग यहां पर क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। डिफ्लेशन क्या होता है, मतलब जहां पर मार्केट में पैसा गिरना शुरू हो जाता है, महंगाई खत्म हो जाती है। दिस इज बैड फॉर इकोनॉमी, बैड फॉर इकोनॉमी। लेकिन क्या होता है, कई बार वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि न तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी होती है, न तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी होती है। वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। वाई, यहां चीज तो समझ में आ रहा है कि यहां तो भाई सिचुएशन आगे खराब हो जाएगी, लेकिन ये तो अच्छा लग रहा है। देखिए, मैंने आप लोगों को कल बताया था फिस्कल क्लिफ के बारे में, फिस्कल क्लिफ, जब मैंने बताया था कि इकोनॉमी लगातार जो होती है वो अपने हाइट अचीव कर रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हर समय गुड गुड सिचुएशन नहीं चलती है, एक समय ऐसा आएगा कि ये अब क्रैश कर जाएगी। तो जब क्रैश जितना हाइट पर रहेगा उतना ही ज्यादा क्रैश भी करेगा, तो इस वजह से प्रॉब्लम सिचुएशन बहुत ज्यादा आ सकने की संभावना होती है। इसलिए बहुत ज्यादा हमें राइज नहीं लेना होता है, हमें एक कह लीजिए कि मॉडरेट राइज लेना होता है, मॉडरेट, ताकि अगर गिरती भी है तो हम लोग संभल सके, फिर उठ सके। तो इस वजह से एक नॉर्मल बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया क्या चीज है, पूरी क्लैरिटी आ गई पूरे सिस्टम में, टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए, जैसे हम लोग बात किए थे कि रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन की बात आ सकती है, मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है। द सेम थिंग इधर भी, इन्फ्लेशन, खैर ये उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया गया, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। बाकी मेजर्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया, तो कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ अब आता है हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी की चीजें हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी के चीजों को देखने से पहले जरा अब हम लोग थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे आना शुरू करते हैं। तो माइक्रो लेवल पे अगर बात करें तो देखिए, जनता, जनता के साथ में हमारी ये बैंक है, तो पब्लिक के साथ में डायरेक्टली लिंक होती है हमारी ये बैंक, जहां पर पब्लिक अपने पैसे डिपॉजिट करवा रही होती है और बैंक इनको लोन दे रहा होता है। तो बेसिकली ये दो काम कर रहे होते हैं। लेकिन बैंक के पास पैसा रेज करने के लिए, दिस इज पैसा, इनके पास पैसा होगा तभी ना लोग जाएंगे। तो इनके पास पैसे आने के सोर्सेस क्या क्या है, पैसा आने के सोर्स इनफ्लो के सोर्सेस क्या क्या हो गए, इनफ्लो के सोर्स एक हो गए जो पब्लिक डिपॉजिट कर रही है, पब्लिक डिपॉजिट, जो जनता आ रही है पब्लिक डिपॉजिट करने। इसके अलावा देखिए, बैंक को आरबीआई से भी पैसे मिल जाते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, आरबीआई लोन कह सकते हैं आप, ठीक है, आरबीआई लोन बोल सकते हैं इसको, हालांकि लोन नहीं होता है, ठीक है, फिर भी आप लेमैन लैंग्वेज में लोन बोल सकते हैं। तो ये इनफ्लो हो जाता है। आउटफ्लो क्या होती है, मतलब कहां से ये निकलेगा, तो आउटफ्लो जो निकल रही होती है वो लोन के फॉर्मेट में निकल रही होती है, हालांकि यहां पे होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह होती है, नॉर्म होती है, कुछ बात करेंगे क्या होता है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी कई सारी चीजें होती है, हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, वन बाई वन करके बात करेंगे। बट हाँ, यहां पर ब्रैकेट में आप लोग जरूर लिखा करिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। 40% इनको अमाउंट का देना पड़ता है अपने सारे लोन का, जितना भी लोन इन्होंने दिया है 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना पड़ता है। अब देखिए यहां पर क्या है, पब्लिक का डिपॉजिट उतना कुछ खास तो होगा नहीं, उतना कुछ खास होगा नहीं, लेकिन हाँ आरबीआई से लोन हम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन लोन के बदले में हम इनको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो यानी हमें घाटे का सौदा हो सकता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या फोकस करते हैं, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं, इस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन जब भी सिचुएशन खराब होगी, इमरजेंसी फाइनेंशियल कुछ भी दिक्कत आती है, तो कौन बचाएगा हमें, आरबीआई बचाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई टू मेक अ बैंक हेल्दी। अभी हम लोग आरबीआई के बारे में भी बात करेंगे क्या चीज है। तो यानी कि आरबीआई बैंक के साथ में जो भी ट्रांजेक्शन करती है उसके कुछ ना कुछ टर्म्स होंगे। तो चलिए फिर पहले जरा टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं बैंक और आरबीआई के बीच में किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, किस तरीके से आरबीआई से बैंक लिंक होता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू बैंक एंड आरबीआई। तो सबसे पहले एक चीज होती है, इसको बोला जाता है बैंक रेट। अब देखिए यहां पर क्या चीज है, फिर से अगेन देखिए, दिस इज बैंक, दिस इज आवर बैंक एंड दिस इज आवर आरबीआई, दिस इज आवर आरबीआई। आरबीआई के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, ठीक है। आरबीआई के पास क्या है, जरा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई में भी अपने अकाउंट्स होते हैं, यहां पर भी अपने अकाउंट्स होते हैं। और अकाउंट्स किस किस के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, और साथ में हो रहे होते हैं किनके, बैंक्स के, बैंक्स के। तो पब्लिक का बैंक, पब्लिक का जो बैंक है उसको बोला जाएगा बैंक, लेकिन बैंकों का जो बैंक हो गया बैंक ऑफ बैंक, बैंक ऑफ जो बैंक होगा उसको बोला जाएगा क्या, आरबीआई। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, इतने सारे अकाउंट्स होते हैं जो मेंटेन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन ये उठता है आरबीआई के पास पैसा कहां से आता है, ये हम लोग आरबीआई जब आएगा तब बात करेंगे कि आरबीआई के पास कहां से इनफ्लो, कहां से आ रहा है पैसा, कहां से आ रहा है। लेकिन आरबीआई के पास पैसा बहुत पड़ा है ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, और हम लोग अब बैंक को पैसा देना शुरू करेंगे। तो चूंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की कि बैंक को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना है, तो बैंक को लॉन्ग टर्म में जो भी, लॉन्ग टर्म में जो भी पैसा देना होता है, लोन देना होता है, उसको बुलाता है बैंक रेट, दिस इज बैंक रेट। और ये नॉर्मल प्रोसेस है, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस, जहां पर हर बार ऐसे ही इसी तरीके से ये लोन दे रहा होता है, लोन नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक रेट का मतलब होता है रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक, इट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, दिस इज नॉर्मल प्रोसीजर, ये हो जाती है नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन इसके बाद एक टर्म आता है, इसको बोलाता है रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जैसे इकोनॉमी में, यहां पर इकोनॉमी में पैसा कम पड़ गया, सपोज पैसा कम पड़ गया, ठीक है। तो अब पैसा कम पड़ गया तो क्या होगा, आरबीआई से तुरंत पैसा मांगा जाएगा कि लाओ भाई आरबीआई पैसा दो, लेकिन बैंक रेट पे तो पैसा ऑलरेडी दे रखा है, आरबीआई बोलेगा अब हम क्यों दें, हम नहीं देंगे, हमें जो होता है हमारी भी सिक्योरिटी है, हमारे अंदर एनपीए आ गया, तब तुम लोग क्या करोगे। तो बैंक क्या बोलेगी कि ऐसा है कि हम आपको एक बॉन्ड दे रहे हैं कि कल को अगर हम नहीं देते हैं तो आप हमारी कुर्की करा लीजिएगा, आप हमें जो होता है ऑक्शन करा लीजिएगा। तो बॉन्ड पेपर जब दिया जाएगा, इस बॉन्ड पेपर को बुलाता है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, या कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, या फिर बॉन्ड पेपर ही हो सकता है, बॉन्ड पेपर हो सकता है। तो यहां पर क्या हो गया, ये बेसिकली क्या हुआ, शॉर्ट टर्म। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड पेपर के बेसिस पे है, मतलब एक साल से तो ज्यादा ही होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बोला जाता है इसको। तो अब क्या है, ट्रेजरी बिल दे दिया गया। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल इस तरीके का होता है कुछ, जहां पर इसकी एक फेस वैल्यू होती है, और जो फेस वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि रेपो रेट 6% है, ठीक है। तो अब इसकी, अगर मान लीजिए आरबीआई इसको 100 रुपए देता है, तो इसकी फेस वैल्यू रहेगी 106 रुपीज एक साल के बाद, और यानी कि इनको अब आरबीआई को देना कितना पड़ेगा, 106 रुपए। तो आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट कमाया। तो बेसिकली रेपो रेट का मतलब क्या हुआ, रेपो रेट इज बेसिकली द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक, इट इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय आरबीआई व्हाइल एक्सटेंडिंग शॉर्ट टर्म लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड बैंक्स अंडरटेक टू रीपर्चेज देम सेम एट अ लेटर डेट। क्लियर हो गया, आपको ध्यान ये रखना है कि ये फेस वैल्यू पे इनको रिटर्न करना होता है, फेस वैल्यू पर रिटर्न। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो दिस इज आरबीआई लेंड्स टू बैंक, इसके थ्रू पैसा इकोनॉमी में दे रही होती है। अब जैसे देखिए यहां पर थोड़ा सा मेजर देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं आरबीआई बैंक से पैसा ले रही है, बैंक क्यों ले रहा है, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है, या फिर कम रेट पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो जब ये कम रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तो बैंक क्या करेगा, बॉन्ड देगा, फटाफट अपनी वैल्यू लेगा और लोन के फॉर्मेट में आम जनता को लोन देते जाएगा और यहां से प्रॉफिट मारते जाएगा।
तो इस तरीके से लगातार वो लोन पे ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि यहीं से इनकी कमाई होने वाली है। लेकिन जब आरबीआई को लगेगा यार यहां पर इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, कैसे पता चलेगा लिक्विडिटी ज्यादा है? इन्फ्लेशन के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से, इन्फ्लेशन के माध्यम से इनको जब पता चल जाएगा कि पैसा बहुत हो गया है तो आरबीआई क्या करेगा, इस पूरे सर्कल को, इस पूरे साइकिल को रोकने के लिए क्या करेगा, इसको बढ़ा करके 10% कर देगा। अब क्या आरबीआई, क्या ये बैंक वाला लेगा लोन? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये जो लोन दे रखा था, अब मान लीजिए नया पैसा इसको लेना है, अगर तो अगर नया पैसा लेना रहेगा तो अब उसको 10% पे लोन देना पड़ेगा। अब 10% पे लोन देने के कारण अब जब ये लोन की अमाउंट को बढ़ाएंगे तो यहां पर जनता कहेगी नहीं नहीं इतना लोन तो हम दे ही नहीं पाएंगे यार, अब 10% जैसे यहां है तो कम से कम 12% तो यहां लगाएंगे ही लगाएंगे, और आम जनता कहेगी हम 12% पे लोन ही नहीं लेंगे। तो यानी कि अगर इनका ये नेटवर्क जैसे ही कटेगा, जैसे ही ये लोन वाली चीज कटेगी, वैसे ही आरबीआई के थ्रू पैसे लेना ये भी कट जाएगा, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है भाई। बैंक को जरूरत थी तभी ना उठा करके वो पैसा मांग रहा था, अभी उसको जरूरत ही नहीं लगेगी। तो यानी कि क्या है, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका रहेगा, उसका नाम रहेगा रेपो रेट। रेपो रेट को जब इकोनॉमी में पैसा कम रहेगा, इकोनॉमी में जब पैसा कम रहेगा तो रेपो रेट को घटा दिया जाएगा, जिससे बैंक वाले फटाफट पैसा ले सके। लेकिन इकोनॉमी में जब पैसा बहुत हो जाएगा तो रेपो रेट को भी बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि जो ये लिंक है वो कट जाए और अल्टीमेटली बैंक वाले पैसा न ले। क्लियर? तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज की जा रही होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड एज अ पॉलिसी रेट विच सिग्नल्स टू द फाइनेंशियल सिस्टम टू एडजस्ट देयर लेंडिंग एंड बोरिंग ऑपरेशन। सीधी सी बात है, लिक्विडिटी के बारे में बात की जा रही है कि लिक्विडिटी किस तरीके से मेंटेन की जा रही है। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। अब क्या चीज है, यहां पर फिर से ध्यान से सुनते हैं। बैंक आरबीआई, अभी तक क्या हो रहा था, आरबीआई पैसे दे रही थी बैंक को, लेकिन मैंने एक और चीज आप लोगों को बता रखा है कि आरबीआई के पास सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक अकाउंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंट होती है और बैंक की भी अकाउंट होती है, बैंक की भी अकाउंट होती है। क्लियर? अब बैंक वाले क्या करेंगे कि आरबीआई में भी अपना पैसा रख रहे होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि इनको एक तो इनका काम है लोन देकर के पैसा कमा रहे होंगे, दूसरा ये पैसा कमा रहे होंगे आरबीआई में अपना पैसा रख करके। तो यहां पर जो पैसा रखेंगे वो रखेंगे कैसे, आरबीआई को पैसा देंगे, तो आरबीआई को पैसा जब देंगे, दिस इज हाउ द थिंग इज, कि पैसा जब यहां पर देंगे तो आरबीआई, आरबीआई क्या है, आरबीआई कहेगी, फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आरबीआई के पास सपोज पैसा कम पड़ गया या फिर आरबीआई के पास पैसा इनको खींचना है मार्केट से, तो आरबीआई कहेगा यार मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे की जरूरत है। तो बैंक वाले कहेंगे अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, चलो भाई पैसा लोगे ले लो। तो अब बैंक वाला कहेगा कि ठीक है कितना चाहिए, आरबीआई बोलेगा 10 करोड़ रुपए दे दो, तो बैंक वाला बोलेगा जब हम तुमसे मांगने आए तो तुमने हमसे पेपर मांगा था, अब तुम पेपर दो। तो आरबीआई क्या करेगा, जो भी ट्रेजरी पेपर अपने पास रखा होगा, ट्रेजरी पेपर या फिर कोई भी बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ भी रखा होगा, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह देगा किसको, बैंक को। अब बैंक वाला रुपए दे देगा किसको, आरबीआई को। लेकिन ये चैरिटी तो कर नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है, ये भी क्या है, बदला निकालेंगे। तो बदला निकालने के लिए ये लोग क्या करेंगे, फिर से यहां पर भी अपना इंटरेस्ट रेट मारेंगे, और ये जो इंटरेस्ट रेट मारेंगे वो क्या होगा, वो मारेंगे आरबीआई से। आरबीआई वाला क्या करेगा, आरबीआई जो रेपो रेट पे बैंक को देता था ऑब्वियसली उससे कम ही देगा हमें बैंक को, क्योंकि अदरवाइज जो होता है वो सारे के सारे पैसे लूट जाएंगे। जैसे मान लीजिए आरबीआई है और यहां पर है बैंक, अगर ये यहां से पैसा दिया गया था रेपो रेट के माध्यम से और यहां से पैसा लिया गया है रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से, अगर ये ज्यादा है, मान लेते हैं इनके पास में 1000 रुपए है, ठीक है 1000 रुपए है, 10% पे, आसानी के लिए बता रहा हूं, 10% पे ये लोन दे रहे हैं, तो 10% पे लोन ले रहे हैं तो एक साल बाद इनके पास कितना हो गया, 1010 रुपए, ठीक। लेकिन मान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट जो होता है, एक बार मान लेते हैं कि 15% है, और मान लीजिए पैसा ले लिया गया, बैंक ने पैसा दे दिया इनको, बैंक ने जब पैसा दिया 1000 रुपए मान लीजिए दिया, तो यानी इनको कितना मिल गया, 1015, तो यानी कि इनके पास कितना, -5 रुपए हो गया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए हमेशा 15% नहीं, हमेशा 5% रखा जाएगा, मतलब कि रेपो रेट हमेशा
ज्यादा होगा रिवर्स रेपो रेट से, अदर क्योंकि अगर ये ना रखा जाए तो आरबीआई ही फिर बैंकरप्ट हो जाएगी। तो बैंक को फायदा क्या है? बैंक को फायदा केवल इतना है कि इनको एश्योर्ड रहता है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहां से आम जनता को, जो पब्लिक को ये इन्होंने पैसा दिया है, ये एक पल को हो सकता है एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो एश्योर्ड है, आरबीआई थोड़ी ना पैसा लेके भागेगी, आरबीआई तो एकदम इन्हीं की चहेती है। तो यहां पर ये लोग पैसा देते हैं, तो जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई को पैसा मिलता है या बैंक वाले पैसा देते हैं, उसी को बुलाता है रिवर्स रेपो रेट। यहां पर भी जो ट्रेजरी बिल होता है उसकी फेस वैल्यू होती है और उसी फेस वैल्यू पर ही रिटर्न हो रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो जो चीज रेवर रेट में देखा आपने, वही चीज उल्टा कर दीजिए, आरबीआई को बैंक की जगह, बैंक को आरबीआई की जगह लगा दीजिए, उसको बुलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई बोरोस फ्रॉम द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज एंड रीपर्चेसेस देम लेटर। रेट चार्ज बाय बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, यानी कि बैंक जो है यहां पर आरबीआई को अपना पैसा दे रहा है। इट एब्सॉर्ब्स एक्सेस लिक्विडिटी, यानी कि क्या है, जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है उसको मार्केट में खींच लिया जाता है, मार्केट से खींच लिया जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये तरीके होते हैं जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट होता है जहां पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट नाम से ही जैसे लग रहा है क्या, लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा, दिस इज मार्केट में पैसा, मार्केट में पैसा, ठीक। एडजस्टमेंट करना है, यानी एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या है, अगर ज्यादा हुआ है मार्केट में पैसा तो इसको कम कर देना है, और अगर कम है तो इसको बढ़ा देना है। तो क्या ये यही एक फैसिलिटी है? ये फैसिलिटी प्रोवाइड किसके द्वारा किया जा रहा है? ये प्रोवाइड किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, किसके फॉर्मेट में, रेपो रेट के फॉर्मेट में, रिवर्स रेपो रेट के फॉर्मेट में, और बैंक रेट भी बोल सकते हैं, बट बैंक रेट इज समथिंग डिफरेंट क्योंकि वो तो रेगुलर प्रैक्टिस है, लॉन्ग टर्म के लिए किया ही जाता है। तो दीज आर यूज्ड बाय बैंक्स, जैसे बैंक्स जो भी पैसा वैसे जरूरत पड़ती है, फॉर डे टू डे मिसमैच इन लिक्विडिटी, आरबीआई लेंड मनी एट रेपो रेट। तो इस तरीके से ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर हो गया? तो लिक्विडिटी इज रिलेटेड विद द मार्केट, एंड इन द मार्केट बैंक इज देयर, एंड बैंक समहाउ मेंटेन्स द लिक्विडिटी इन द मार्केट थ्रू, या क्या कह सकते हैं, विद द यूज ऑफ या विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। व्हाट इज दिस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यह है बैंक, ठीक है। अब बैंक में भी बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे बैंक में भी थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं एसबीआई है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, ठीक है, एटसेट्रा। एक दिन क्या होता है, आरबीआई का एकदम समझ लीजिए कि जो होता है चांदी लग जाती है, तो इसके पास क्या होता है, हर लगातार लोग पहुंचते आते हैं कि मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए। एसबीआई के पास सीधी सी बात है पैसा होगा, लेकिन एक तो लिमिटेशन ही होगी, लिमिटेड पैसा होगा, तो इन्होंने क्या है लोन देना शुरू कर दिया, लगातार सबको लोन दिया, फटाफट लोन दिया। लोन देने के बाद क्या होगा, एक समय के बाद इनके पास पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा हो जाएगा खत्म, लेकिन फिर भी क्या है लोग आते ही रह रहे हैं इनके पास, कह रहे हैं नहीं मुझे आज लोन लेना ही है, मुझे जो होता है बहुत पैसे की जरूरत है। एसबीआई वाला क्या कहेगा कि यार अब तो पैसा खत्म हो गया है, करें क्या, अब क्या करें। तो ये क्या करेगा एसबीआई, अब क्या है, जैसे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि कोई एक दुकान वाला है, दुकान वाले के पास कोई आइटम है, मान लेते हैं पेंसिल है, ठीक है, सब लोग पहुंच गए पेंसिल लेने के लिए। एक समय के बाद इस दुकानदार के पास, इस शॉपकीपर के पास पेंसिल खत्म हो जाएगी, अब क्या करेगा, तुरंत ये कैमलिन को तो फोन नहीं करेगा, कहेगा भाई कैमलिन वाले और जो होता है स्टॉक जो होता है कम पड़ गया है, स्टॉक मंगा दो हमको दे दो, तुरंत तो आ नहीं सकता है, लेकिन कस्टमर तो आ रखे हैं। अब ये क्या करेगा, अब ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे खेलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्यों, क्योंकि कस्टमर बना के रखना है। कस्टमर बना के रखने के लिए क्या करेगा, दूसरे शॉप के पास जाएगा, पेंसिल खरीदेगा और पेंसिल लेकर के आएगा और कहेगा तब तक ये कस्टमर्स को कि यार रुको अभी गोदाम में पड़ा हुआ है, गोदाम से लेकर के आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे शॉप से खरीदा है, फटाफट लेके आया और इनको पेंसिल दे दिया, क्यों, क्योंकि इनकी कस्टमर बेस बढ़ गए हैं। सेम काम यहां पर भी किया जाएगा, लेकिन यहां पर एसबीआई के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पीएनबी से पैसा मांग ले, या आईसीआईसीआई से पैसा मांग ले, या एचडीएफसी से पैसा मांग ले, या फिर पैसा मांग ले हमारे आरबीआई से। तो यहां पर दो ऑप्शन है, अगर मान लीजिए ये आपस में लेते हैं तो इनको बोलते हैं इंटरबैंक लेंडिंग रेट, इंटरबैंक लेंडिंग रेट, ठीक है, जब बैंक आपस में ही कर लेते हैं। दूसरा होता है जब ये आरबीआई से पैसा मांग रहे होते हैं,
और क्या है, अब इस समय क्या है, कस्टमर को बनाना है। कस्टमर को बनाने के लिए अब आरबीआई के पास जब भी ये जाएंगे, अब ये तो छोड़िए, अभी हम लोग बात की बात करेंगे, ये हम लोग डिस्कशन बाद में बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों ने हालांकि इसका काफी अच्छा डिस्कशन किया था, लेकिन खैर आरबीआई के पास बात करते हैं। आरबीआई के पास जैसे ये एसबीआई वाला बोलेगा, फोन लगाएगा, यार हमको पैसे की जरूरत है, आरबीआई क्या कहेगा, मौके का फायदा उठाना है, चौका नहीं छक्का मारना है। तो आरबीआई कहेगा देखो ठीक है, रेपो रेट पे तो हम जो देते थे सो देते थे, वो तो सबके लिए है, तुम्हारे लिए क्या करना है, कुछ स्पेशल बताओ। तो कहेगा एसबीआई वाला, हम समझ गए तुम्हारी बात, तुमको भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो आरबीआई कहेगा हाँ यार, मुस्कुरा देगा। तो आरबीआई कहेगा कि देखो ऐसा है, हम आपके लिए एक स्पेशल फाइल तैयार किए हैं जिसका नाम है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जितना पैसा चाहिए हाथों हाथ दिया जाएगा, लेकिन रेपो रेट 6% है तो हम देंगे इस पे 7%। एसबीआई क्या कहेगा, लाओ यार तुम भी मौके पर जो भी उठा रहे हो, फायदा उठा रहे हो उठा लो, लेकिन क्या है, अभी फिलहाल हमको लोन देना है, मेंटेन करना है, कस्टमर को बनाना है, इसलिए सब कुछ जायज है। तो एमएसएफ बेसिकली होता है जब हाथों हाथ एक्स्ट्रे पैसे की जरूरत पड़ती है और जब हम आरबीआई से पैसा उठा रहे होते हैं। क्लियर हो गया रेपो रेट और मार्जिनल में क्या अंतर है। तो अ विंडो थ्रू विच कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई एट ए रेट ग्रेटर देन रेपो रेट विच इज मीन टू ईज लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो इस तरीके से मेंटेन किया जाता है लिक्विडिटी। क्लियर हो गया क्या सीन है, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, क्लियर है सारे टर्म्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद होता है मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर, व्हाट इज दिस थिंग। तो एमएसएफ रेट एंड रिवर्स रेपो डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द वेटेज एवरेज कॉल मनी रेट। अब देखिए यहां पर क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्या इनफैक्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कॉल मनी मार्केट के बारे में। कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट का मतलब होता है जब ये इंटरबैंक, जब ये इंटरबैंक लोन ले रहे होते हैं। जैसा भी मैंने बात किया था ना, एसबीआई वाला लोन ले रहा था आईसीआईसीआई से या पीएनबी से, तो इस तरीके से जो लोन लेता है उसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। इनके पास एक ऑप्शन कॉल मनी मार्केट का, दूसरा ऑप्शन है आरबीआई के। तो आरबीआई से दो तरीके से मैनेज किया जा सकता है, या आरबीआई दो तरीके से मैनेज कर सकती है, एंड दीज आर एमएसएफ रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, एंड दिस डिटरमाइन द मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर फॉर डेली मूवमेंट इन वेटेज एवरेज कॉल मनी रेट। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो कुछ खास है नहीं, इसको आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं। अब देखिए रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, फिर से ध्यान से सुनते हैं। ये हमारी बैंक है जिनके पास मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, ठीक, 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ था इनका खुद का, दिस इज खुद का, खुद इन्होंने बनाया था, खुद का है ये। फिर उसके बाद क्या होता है, जनरल पब्लिक आती है, जनरल पब्लिक कहती है कि यार मुझे अपना पैसा लोन में देना, मतलब कि डिपॉजिट करना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के कई सारे तरीके होते हैं, एक होता है जो सेविंग्स में करते हैं, सेविंग्स, दूसरा होता है जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, तीसरा होता है जो आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हर महीने आपको एक निश्चित अमाउंट जमा करना पड़ता है, तो इस पे हाई इंटरेस्ट मिलता है। हाई इंटरेस्ट क्यों मिलता है, क्योंकि फायदा इस पे जरा देखिएगा, बैंक को हर महीने कुछ पैसा मिलने वाला है, फर्स्ट थिंग, और ये श्योरिटी के साथ पैसा मिलने वाला है, श्योरिटी के साथ पैसा मिलने वाला है। तो बैंक वाला तो एकदम खुश रहेगा, क्यों, क्योंकि एक सैलरी के फॉर्मेट में कह सकते हैं इनको लगातार पैसे आते जाएगा, तो इस पे हाई इंटरेस्ट देगा ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएं और इनके पास में लगातार हर साल पैसा आते ही जाए, ताकि श्योरिटी ऑफ अमाउंट हर साल बनी रहेगी, ठीक। इनके साथ एक और दिक्कत होती है, अगर ये पैसा नहीं भी आएगा तो लैप्स भी कर सकते हैं ये, तो पूरा डबल सिक्योरिटी यहां पे मिल गई, यहां पर इनको डबल सिक्योरिटी मिल गई बैंक को कि पैसा मार भी सकते हैं हम। दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट, 5 साल 7 साल 10 साल सबके लिए पैसा फिक्स हो गया, यानी ये पैसा लेने नहीं आने वाले हैं, मतलब ना तो ये पैसा लेने आने वाले हैं, ना ये पैसा लेने वाले आने वाले हैं। अब मान लेते हैं 7 साल के लिए लेने आने वाले नहीं है, और इन लोगों ने जमा किया है मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए मिला करके, तो इनके पास 101 करोड़ हो गया, 101 करोड़, और वो भी नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए पक्का हो गया। सेविंग्स वाले क्या है, अप एंड डाउन करते रहते हैं, तो इसीलिए इनको इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये लोग तो खाली और खाली पैसा अपना सेव करने के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो इनको इंटरेस्ट हमेशा कम दिया जाता है, कुछ खास नहीं, 3.4-3.5% दे दिया जाता है। तो ये पैसा तो कहीं यूज में नहीं आ सकता है, लेकिन थोड़ी मोड़ी यूज आ सकती है, क्यों, क्योंकि अमाउंट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है,
जैसे 1 करोड़ रुपए मान लेते हैं, ये दोनों मिला करके तो अकेले ही सेविंग्स 10 करोड़ बना देगा, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा है और सेव करने में बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है, तो 10 करोड़ रुपए यहां से बना दिए जाएंगे। टोटल मार्का कितना हो गया इनके पास, इनके पास हो गया 111 करोड़ रुपए, ठीक, जिसमें 7 साल के लिए 101 रुपए तो सेफ है, लेकिन 10 करोड़ रुपए थोड़ा सा एक टेंशन बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैंक वाला क्या करेगा, पैसा रख करके कुछ कमाएगा क्या? नहीं, ये क्या करेगा, इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। इन्वेस्ट बहुत तरीके से किया जाता है, किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर सबसे ज्यादा चार्मिंग चीज होती है लोन। लोन देते हैं ये लोग, लोन देने में आम जनता को ये लोन देंगे, और लोन ऑब्वियसली क्या है, इन सारे इंटरेस्ट रेट से, चाहे वो सेविंग हो, चाहे एफडी हो, चाहे आरडी हो, सबसे हाई रेट पे इंटरेस्ट लेंगे, हाई रेट पे इंटरेस्ट। मान लेते हैं 111 करोड़ था, और बैंक वाले ने कुछ न सोचा ना कुछ किया, सब क्या कर दिया लाइन से फटाफट, यहां पर क्या किया, 111 करोड़ में 110 करोड़ रुपए उसने लोन में दे दिए, तो बैंक के पास बचा कितना, केवल 1 करोड़ रुपए। कल को क्या होता है, जितने सेविंग्स वाले हैं वो फटाफट आ जाते हैं, इनको पता नहीं कोई बता देता है कि यार बैंक में ताला लगने वाला है, बैंक वाला पैसे लेके भागने वाला है, या कह सकते हैं बैंक यस बैंक बनने वाली है। सबके सब पहुंचाएंगे, दौड़ आएंगे, कहेंगे यार हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। बैंक वाले के होश उड़ गए, यार अब क्या करें यार, 1 ही करोड़ रुपए बचा है, देना कितना है 10 करोड़ रुपए, क्या करें। एक ऑप्शन है आरबीआई से पैसा मांग ले, लेकिन आरबीआई से जैसे ही कहेगा 10 करोड़ रुपए चाहिए, आरबीआई पूछेगा क्यों चाहिए, अब बैंक वाले पास कोई जवाब नहीं, या तो बैंक झूठ बोले कि भाई दिक्कत है, तो झूठ जैसे ही बोलेगा, एक ऑप्शन है कि झूठ बोले, झूठ बोलने का मतलब होता है एनपीए, समझ में आया क्या चीज है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो आज की डेट में पूरा बना हुआ है नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो ये बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग असेट की जो प्रॉब्लम आई है वो झूठ बोलने के कारण ही आई है। चलिए खैर, ये तो हम लोग बात करेंगे एनपीए की प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है, आरबीआई से जैसे पैसा मांगेगा, और मान लीजिए आरबीआई को सच सच बोल भी देता है, आरबीआई क्या करेगी, चूंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक को हेल्दी बनाने की, तो पैसा दे देंगे, लेकिन देंगे किस पे, एमएसएफ पे, तो अगेन बैंक के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया, क्यों, क्योंकि रेपो रेट से ये तो हाई रेट पे है, तो अब अगेन इनको एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, तो इस वजह से क्या करेंगे, एमएसएफ नहीं लेंगे, या फिर बैंक फेल होने का डर रहेगा, तो लास्ट ऑप्शन इनके पास क्या रहेगा, अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देने का। लेकिन बैंकरप्ट घोषित करके किस कुछ मिला क्या बैंक को, नहीं, जेल गए, बात ही खत्म हो गई। तो यहां पर क्या है कि कुछ मिला नहीं, तो ये अब क्या हुआ, इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम है और कंट्री की इकोनॉमी बैंकों पर ही टिकी हुई है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कहता है कि इस तरीके की जो सिचुएशन है वो न आए, इसके लिए कहता है बैंक को कि बैंक तुमको अपने पास एक गुल्लक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गुल्लक को ही बोला जाता है रिजर्व रिक्वायरमेंट, समझ में आ गया क्या चीज है, रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब ये पूरा सिस्टम जरा हम लोग क्लियर करते हैं और हम लोग आते हैं अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट पे। अब देखिए, ये होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आपके पास कोई 10 रुपए भी जमा करने आया है, तो आपको उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी जितना बचा हुआ है वो केवल और केवल आप लोन पे दे सकते हैं। अब जरा फिर से ध्यान से सुनते हैं, मान लीजिए कि 10 लोग आए थे और 1-1 करोड़ रुपए जमा करके गए, 10 लोग आए 1-1 करोड़ रुपए जमा करके गए, तो कितना पैसा हो गया, 10 करोड़ रुपए बैंक के पास आ गया, कितना, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़। मैंने बोला कुछ परसेंटेज इनको यहां पर रखना पड़ता है, मान लेते हैं कि टोटल इनको 1 करोड़ रुपए रखना पड़ रहा है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए रिजर्व रखना पड़ रहा है, और दूसरा है 9 करोड़ रुपए जो होता है ये लोन के फॉर्मेट में दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग लिक्विड कैश फॉर्मेट में बैंक रखेगी, तो इनके आंखों में ये गड़ना शुरू हो जाएगा कि यार देखो यार 1 करोड़ रुपए वहां पर भी रखे हुए हैं, कब पैसा, कब टाइम मिले हम पैसा निकाल लें, हम जो होता है इसको लोन पे दे दें, ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो इनको हमेशा ये चीजें आंखों में गड़नी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए अगेन ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं अभी देखते हैं हम लोग, पहले जरा रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट मेंटेन बाय अ बैंक एज रिजर्व दैट आर नॉट टू बी लेंड, दिया नहीं जा सकता है, लोन नहीं दिया सकता है, विच इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ईच बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। देखिए, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दो यहां पर टर्म लिखे गए हैं। डिमांड का मतलब ये होता है डीडी, डिमांड डिपॉजिट, या फिर कह सकते हैं सेविंग्स, ठीक है। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि इनके पे ये टाइम होती है,
या रिकरिंग डिपॉजिट, क्योंकि इसमें भी टाइम होता है, तो ये क्या हो गया, एक टाइम बाउंड हो जाता है, दिस इज मोर सेफ, और ये कुछ खास सेफ नहीं होता है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, क्लियर हो गया। दिस इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट, सेफ बैंक ऑपरेशन, लिक्विडिटी रेगुलेशन, मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा, दे कैन बी कॉल्ड एज CRR एंड SLR। तो यहां पर जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है वो एक्चुअली दो नाम होता है, एक का नाम होता है CRR और दूसरे का नाम होता है SLR। वन सेकेंड यार, दूसरे का नाम होता है SLR, CRR का पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब जरा फिर जरा क्लियर और जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं CRR क्या चीज है। अब देखिए, बैंक के पास था 10 करोड़ रुपए आए हुए थे, उसमें से मैंने बोला 1 करोड़ रुपए इनको रखना पड़ेगा और बचे हुए 9 करोड़ रुपए ये लोन में दे सकते हैं। तो अब इस चीज को तो भूल जाते हैं और हम लोग 1 करोड़ पे बात करते हैं। 1 करोड़ में मैंने बोला इनको अपना ये रिजर्व के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, जहां पर दो टर्म है, एक है CRR और एक है SLR। अब क्या है, बैंक वाला जब भी अपने पास रिजर्व के फॉर्मेट में रखेगा तो हमेशा RBI को एक डर लगा रहेगा कि यार कहीं ना कहीं ये हमसे झूठ बोला हुआ है, झूठ बोल सकता है। तो RBI कहेगा ऐसा है, तुमको रिजर्व रखना ही, अपने पास रखो चाहे हमारे पास रखो, बात तो एक ही है, तुम एक काम करो हमारे पास रख दो, हमारे पास रिजर्व रख लो, सारा रिजर्व मत रखो, हो सकता है कि तुम जो होता है तुमको भी डर हो कि भैया यार हमसे भी पैसा कोई मार ले गया, तो तुम एक काम करो, केवल और केवल ये जो CRR वाली चीज है ये केवल मेरे पास रख दो। तो CRR एक्चुअली होता है जो है वो RBI के पास रिजर्व के फॉर्मेट में रखा जाता है, और वो रखा जाता है कैश के फॉर्मेट में, इसलिए इसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR टू बी मेंटेन्ड विथ द RBI, जो कि बैंक मेंटेन करता है, लेकिन ये तो रिजर्व है, RBI के पास रखे हैं तो आप अकाउंट में तो जमा करके रखे नहीं है, आपने तो केवल और केवल उसको सेफ करने के लिए रखा है, मतलब रिजर्व कर रखा है, तो यहां पर इसी वजह से इस पे इंटरेस्ट RBI नहीं देती है, और ये होता है कैश के फॉर्मेट में। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये जो रिजर्व है वो RBI के पास रहता है, कैश फॉर्मेट में रहता है, और इंटरेस्ट इस पे नहीं देता है RBI। तो इट इज अ पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट बैंक शुड कीप विथ RBI इन कैश फॉर्म विथ नो इंटरेस्ट, इट इज यूज टू मैनेज लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। सीधी सी बात है, क्लियर। अब देखिए, दूसरा टर्म मैंने बोला है SLR, जिसका मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि बैंक अपने पास रखेगा। अब देखिए, बैंक अपने पास रखा हुआ है, बैंक रखा हुआ है SLR, ठीक है। अब देखिए, ये सपोज मान लेते हैं कि जो होता है 20,000 रुपए जो होता है वो इसके पास रखा हुआ है CRR के फॉर्मेट में, और 80,000 रुपए जो होता है वो अपने पास रखा हुआ है, 80 लाख रुपए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए था ना, 80 लाख रुपए यहां पर SLR के फॉर्मेट में रखा है। सीधी सी बात है, बैंक एक बिजनेस एंटिटी, इनको कैश फॉर्मेट में रखा हुआ जो भी पैसा होगा वो आंख में गड़ना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप करेंगे क्या, इस क्या इस पे कुछ मार्जिन कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। कैसे कमाया जा सकता है, देखिए RBI है, RBI कहती है कि यार पैसे की जरूरत है, बैंक वाला कहेगा अभी हम देंगे, RBI बोलेगा कहां से दोगे, बैंक बोलेगा हम कहीं से भी दे, तुमसे क्या मतलब है, तुम बताओ कितना पैसा चाहिए। तो RBI बोलेगा कि यार एक काम करो, हमें चाहिए 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख रुपए चाहिए। बैंक वाले बोलेगा ठीक है ट्रेजरी पेपर दे दो, तो ये दे दिया ट्रेजरी पेपर या फिर बॉन्ड पेपर। अब क्या करेगा, ये जो SLR था जो रिजर्व मेंटेन किया था उसमें से 50 लाख रुपए निकालेगा, 30 लाख रुपए इनके पास बच गया, और ये 50 लाख रुपए उठा करके दे देगा और यहां पर रख लेगा SL अपना जो ट्रेजरी बिल है। तो बेसिकली ये चला गया ट्रेजरी बिल के फॉर्मेट में प्लस 30 लाख रुपए। अब देखिए, ये रिजर्व तो अभी भी मेंटेन है, बिल्कुल मेंटेन है, क्योंकि यहां पर कहीं नहीं बोला था कि मुझे कैश रखना है, केवल किसी भी फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। इस ट्रेजरी बिल की भी तो कीमत 50 लाख रुपए है, तो बिल्कुल, लेकिन अब ये 50 लाख नहीं है, क्यों, क्योंकि अब इस पे ये इंटरेस्ट भी कमाना शुरू कर दिए, तो जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे वो चला गया इनके पर्सनल बेनिफिट में, ये चला गया इनके पर्सनल बेनिफिट में। अब देखिए, कमा कहां कहां से रहे हैं, एक तो लोन दिया था पब्लिक को, लोन दिया पब्लिक को, वहां से ये लोग कमाए इंटरेस्ट। दूसरा इंटरेस्ट कमाया जब ये RBI को लोन दिया, और वो भी किससे दिया, अपने रिजर्व वाले से दिया। तो अब उसके बाद से क्या बैंक वाला कमाना शुरू कर दिया एकदम मजे में, अब आंख में गड़ना थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी भी देखिए 30 लाख रुपए जो आंख में गड़ रहा है। अब ये क्या करेगा, इसका
अब इस पे कहेगा जो बैंक रहेगा कहेगा किसी को गोल्ड पेपर चाहिए क्या? गोल्ड पेपर। आम जनता जो रहेगी कहेगी अरे वाह यार मजा आ गया यार, गोल्ड पेपर बिक रहा है यार, इसकी वैल्यू तो कभी गिरेगी ही नहीं। तुरंत पब्लिक पहुंचेगी और कहेगी हाँ गोल्ड पेपर चाहिए। बैंक वाले बोले कितने का चाहिए? सब कहेंगे कि हमको 10-10 लाख रुपए का चाहिए। 10-10 लाख रुपए का पहुंचा तो इन्होंने क्या किया, ठीक है 3 लोगों को चाहिए, चलिए ठीक है 10-10 लाख रुपए यहां से निकाल करके दे देगा और इनको गोल्ड पेपर यहां पर रख देगा। मतलब अब यहां पर ट्रेजरी पेपर बच गया है और 30 लाख रुपए नहीं 30 लाख का गोल्ड पेपर आ गया है। दिस इज गोल्ड पेपर और एक एक 10-10 लाख रुपए इनसे दे दिए गए, 10-10 लाख रुपए दे दिए गए। तो इस तरीके से बैंक SLR पे भी अपना क्या है, इंटरेस्ट कमाना शुरू कर दिया। तो ये तरीका होता है पूरा बैंकिंग सिस्टम का। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो दूसरी होती है SLR। SLR में भी अगर आप देखेंगे तो इट इज प्रपोर्शन ऑफ टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, कुछ भी हो सकता है ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ डिमांड और टाइम डिपॉजिट बैंक शुड कीप विथ देमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के भी फॉर्मेट में हो सकता है, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड हो सकता है, जैसे ये गोल्ड पेपर पब्लिक सेक्टर बॉन्ड हो गया। करंट अकाउंट बैलेंस मतलब ये फॉरेक्स की कीमत में भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के फॉर्म में भी हो सकता है, बैंक में हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या हुआ, SLR में आ गई। और SLR पे ये लोग अपना कह लीजिए दिमाग लगा करके ये लोग इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ये पूरा चीज हम लोगों ने देखा SLR के फॉर्मेट में। नेक्स्ट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, लेट मी क्लियर इट। दीज इंक्लूड बोथ आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी थी, दिस इज आवर इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में रुपए पैसे का, जो भी रुपए पैसे का बैलेंस करना है, इंजेक्शन करना है या बाहर निकालना है, इस तरीकों को ही बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मतलब खुला हुआ है, खुला दरबार, मार्केट मतलब मार्केट होती है, ऑपरेशन मतलब जो भी तरीका अपनाया गया। जैसे इसमें होता है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो कि बैंक वाले अपनाते हैं। बैंक वाले कैसे अपनाते हैं, रेपो रेट से अपनाते हैं। उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट या फिर MSF, ये तरीका अपनाया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा। ये सबको मिला के बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्लियर हो गया? तो ये तरीका होता है जो ओपन मार्केट ऑपरेशन का जरिया होता है। नेक्स्ट होती है मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम। दिस इज यूज बाई RBI, RBI के द्वारा यूज किया जाता है। कैसे, जो इकोनॉमी है, दिस इज आवर इकोनॉमी, इकोनॉमी को किस तरीके से गिव एंड टेक करना है और जिससे कि लिक्विडिटी मेंटेन रहे। लेकिन ये लिक्विडिटी ना ज्यादा हाई होनी चाहिए ना ज्यादा लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हाई होता है तो भी इन्फ्लेशन आएगा, लो होगा तो भी इन्फ्लेशन आएगा, दोनों केसेस में इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई ना होने पाए इसलिए यूज किया था मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम। सरपस लिक्विडिटी और मोर इंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग फ्रॉम लार्ज कैपिटल इनफ्लो इज अब्सॉर्ब्ड थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल। तो यहां क्या करती है RBI भी, क्या है ट्रेजरी पेपर रखा रहता है उसको बेचता है और पैसा ले लेता है, भले इसके लिए इंटरेस्ट देना पड़े लेकिन कंट्री को बचाना भी तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस वजह से ये काम लोग कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट आता है, रेट विच इज चार्ज और पेड फॉर द यूज ऑफ मनी, इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एन एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। दिस कैन बी जनरल पब्लिक के लिए जो लोन दिया जाता है, जनरल पब्लिक के लिए, तो ये हो जाती है इंटरेस्ट के नाम पे। सिमिलरली रेपो रेट, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट। रिवर्स रेपो रेट, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब आगे बढ़ते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट और लो इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट मतलब पैसा ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, ज्यादा चार्ज किया जाएगा तो इससे क्या होगा, सेविंग्स लोग ज्यादा करना शुरू कर देंगे क्योंकि लोन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आम पब्लिक अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो अपना पैसा जा करके पार्क कर देगी और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कमाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अगर लोन लेना होगा तो लोन लेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ जाएगा, तो कोई भी पैसा ज्यादा देना नहीं चाहता है, तो इस वजह से सेविंग्स बढ़ जाएगी। लेस डिस्पोजेबल इनकम, क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो जमा कर दिया है तो इनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बची है वो क्या, कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई, कोई ज्यादा पैसा है नहीं। लोन रीपेमेंट इंक्रीज, फटाफट ये लोग लोन देना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हर महीने ज्यादा बैठते आ रहा है तो जल्दी जल्दी ये लोग लोन रीपेमेंट कर देंगे ताकि इंटरेस्ट पैसा ज्यादा ना देने पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात कर लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, दिस इज 1 लाख रुपी लोन, 12% में 10% मान लीजिए कि लिया है, तो हर महीने क्या है, मान लीजिए ये एनुअल नहीं है, या मान लेते हैं 12% एनुअल है, 1% देना पड़ेगा, यानी कि क्या है, हर साल आपको 10-10 हजार रुपए देना पड़ जा रहा है, ठीक है 10 साल के लिए है मान लेते हैं,
तो आप क्या करेंगे, 10,000 रुपए मतलब मिला करके आपको कुल मिला करके 12,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 12,000 को बचाने के लिए जो जो आप 10 साल में देने वाले थे आप उसको 5 साल में ही दे देंगे और 6,000 रुपए बचा लेंगे फटाफट। ठीक है, तो ये तरीका हो जाता है, यानी लोन रिपेमेंट फटाफट होना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वही अगेन डिमांड एंड सप्लाई का, मार्केट में पैसा कम हो गया है तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। सेविंग अर्निंग जो होती है, सेविंग अर्न मोर इंटरेस्ट, तो फटाफट ये पैसा सेव करना शुरू कर देंगे। व्हाट इज दिस स्ट्रॉन्गर रूपी, ये हम लोग बाद बात करेंगे, एक्सचेंज रेट में बात करेंगे। वही अगर उल्टा कर दिया जाए तो बस उल्टा हो जाएगा, इनकरेज स्पेंडिंग हो जाएगी, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस ही कर ली है, तो आपको अलग से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके बाद हो जाता है हॉकिश स्टांस। हॉकिश का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेजी तेजी से, बहुत ही स्पीड में, इसको बोलते हैं हॉकिश। व्हेन अ सेंट्रल बैंक वांट टू गार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव इन्फ्लेशन, देयर इज इंटरेस्ट रेट जो होती है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। तो हॉकिश का मतलब ये होता है जब कोई मार्केट बहुत तेजी से लिक्विडिटी हो जाती है, एक्सेसिव इन्फ्लेशन आ जाएगा उसमें। डोविश ठीक उल्टा, एक हॉकिश का ठीक उल्टा वही चीज हो जाती है, जहां पर इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाएगा, ये सब काम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है बेंचमार्क लेंडिंग, प्राइम लेंडिंग रेट। अब यहां पर होता है जो हम लोग बैंक है, बैंक आम जनता को, आम पब्लिक को लोन दे रही होती है, दिस इज लोन। अब जब लोन दे रही होती है तो वहां पर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड किया जाए, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड किया जाए। तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए बहुत तरीके से मतलब चलता रहा है। जैसे एक होता है जो सबसे पहले शुरू में चलता था, जिसका नाम था BPLR, इसको बोलते हैं बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा आया था जिसको बोला था बेस रेट, नेक्स्ट आया था बेस रेट, फिर बेस रेट को हटा करके आया MCLR। MCLR का मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बेस्ड रेट। लेकिन अभी रिसेंट में, दिस इज करंट अफेयर्स, रिसेंट में आया जिसको बोला था फ्लेक्सिबल लेंडिंग रेट। ये करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको मैंने करंट इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया हुआ है, हम लोग यहां पर भी डिस्कस कर लेंगे। अब जरा देखिएगा बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है। इट वॉज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन लेंड टू कस्टमर हु आर मोस्ट क्रेडिट वर्दी। तो ये अपना अपने हिसाब से लोन अमाउंट या फिर कह लीजिए लोन इंटरेस्ट अमाउंट डिसाइड कर रहे होते थे। अब सीधी सी बात है, लोन इंटरेस्ट खुद से डिसाइड कर रहे होंगे तो क्या होगा, मान लीजिए चार बैंक है, SBI, PNB, ICICI, HDFC। एक बंदा कह रहा है हम 12% पे देंगे, दूसरा वाला कह रहा है 11% पे देंगे, तीसरा वाला कह रहा है 10% पे देंगे, फिर 9% पे देंगे। अब क्या होगा, जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, सबसे दुष्ट प्राणी होता है, वो हर एक बैंक में जाएगा, पता करेगा कितने परसेंट पे कौन है, तो जिसपे कम मिलेगा उसमें फटाफट चला जाएगा। तो अब क्या, SBI वाले को जैसे पता चलेगा PNB वाला 11% पे है, ये क्या कर देगा 10.5%। जैसे ही SBI को पता चलेगा कि यह 10.5% हो गया है, IC वाला 9.5% कर देगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपस में ये लोग इतना कंपटीशन मेंटेन कर लेंगे कि एक समय के बाद उतने इंटरेस्ट रेट पे ये लोग लोन दे देंगे जो अफोर्डेबल ही नहीं होगा बैंक को, लेकिन फिर भी ये केवल और केवल कस्टमर बेस बनाने के लिए अपना लोन देते जाएंगे। लेकिन क्या है, दिस इज नॉट हेल्दी सिचुएशन एंड दिस कैन लीड टू फेलियर ऑफ बैंक। तो इस फेलियर ऑफ बैंक के कारण ही RBI आती है, क्योंकि RBI सबका बाप है। तो RBI क्या आती है, RBI फटाफट आती है और कहती है न्यू नॉर्म्स, नया नियम बनाना पड़ेगा। नया नियम बनाने पे ये नया नियम बनाई जाती है बेस रेट के फॉर्मेट में। तो बेस रेट इज द इंटरेस्ट रेट बिलो विच शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक विल लेंड न्यू लोन टू कस्टमर। इन्होंने क्या कर दिया, कहा कि देखो यार मैं एक बेस रेट डिसाइड करूंगा और उस बेस रेट के नीचे कभी भी आप लोन नहीं दे सकते हैं। मतलब इन्होंने सपोज बना दिया कि बेस रेट 7% है। अब आपस में लोग कंपटीशन करेंगे 12%, 11%, 10%, 9%, फिर उसके बाद से 10.5%, फिर 9.5%, फिर ये वाला जब 9.5 सुनेगा तो 8.5 पे आ जाएगा, 8.5 पे आएगा तो ये वाला फिर जो होता है 8 पे आ गया, तो ये 7 पे आ जाएगा। जैसे ही SBI 7 पे आएगा वैसे ही ये क्या करेगा 6.5 पे बना देगा। तो 6.5 इज नॉट परमिटेबल, क्यों, क्योंकि यहां पर जो होता है बेस रेट इन्होंने मिनिमम 7% कर दिया है। तो इट इज द बेस रेट, या कह सकते हैं इट इज द रेट एट विच, मिनिमम रेट एट बिलो विच no bank can lend loan to its customer। तो इस तरीके से थोड़ा सा सस्टेनेबल तरीका किया गया, सस्टेनेबल वे, और इसी सस्टेनेबल वे को न्यू वर्जन दिया गया MCLR के फॉर्मेट में। तो MCLR के फॉर्मेट में नया आया, तो बेस रेट इज रिप्लेस्ड विद MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, जहां पर मोर और लेस सेम चीजें थी, बट ठीक है बेस रेट को हटा करके MCLR कर दिया गया था बेसिकली। अब इस MCLR के बाद
जो नया वर्जन आया है वो आया है फ्लेक्सिबल लेंडिंग रेट। अब ये क्या चीज है, इसमें केस में ये हो रहा है कि आरबीआई ने अपना डिसाइड तो कर दिया, लेकिन अब क्या है बैंक का अपना खुद का प्रॉब्लम आ गया है जिसका नाम है एनपीए। अब ये बेस रेट को घटा करके 6% पे भी करते हैं तो भी बैंक वाला कहता है हम अपना इंटरेस्ट नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि हमारा एनपीए अभी बढ़ा हुआ है, हम लोग को वसूलना है। तो अगर पहले 10% पे दे रहा था जब 7% बेस रेट था, और जैसे ही 6% किया कायदे से इनको घटा करके 9% कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी भी 10% इन्होंने रखा। क्यों? क्योंकि अब 1% की सहायता से ये लोग अपना एनपीए वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज आउट द थिंग्स गोज ऑन। तब ये प्रॉब्लम जब निकलना शुरू हो गई तो बैंक ने एक नया, मतलब आरबीआई ने एक न्यू मेजर लिया, अगेन न्यू नॉर्म, और इस नॉर्म को बोला जाता है फ्लेक्सिबल लेंडिंग रेट। फ्लेक्सिबल लेंडिंग रेट में क्या है, अब इन्होंने एमसीएलआर को डिसाइड करने के लिए, मतलब पहले जो बेस रेट को डिसाइड करने के लिए पैरामीटर लिए जाते थे उसको बदल दिया, और बदल करके अब लगा दिया है कि नाउ इट विल बी अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे होगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की प्राइस लगातार बदलती रहती है, और बदलती रहती है, तो नाउ द फंड रेट, या कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हो गया है मार्केट ड्रिवन बेस्ड। मार्केट ड्रिवन बेस्ड, क्लियर हो गया क्या चीज है फ्लेक्सिबल लेंडिंग रेट। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने, बैंक किस तरीके से लोन प्रोवाइड करता है, व्हाट आर द गाइडलाइन, व्हाट आर द नॉर्म्स, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे आती है हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन को किस तरीके से टारगेट करना है। अब देखिए, जब हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था उसमें मैंने बोला था कि फिस्कल पॉलिसी में फिस्कल डेफिसिट को हमें 3% पे बना के रखना है। ये क्या है, मतलब आप क्या है एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं, इनकम आपकी कम हो रही है, और मैं कह रहा हूं कि ये सस्टेनेबल हेल्दी तरीका है। भाई क्या मतलब है इसका, इसका मतलब जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट है और आपके पास क्या है 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, और आपको पता है कि हर साल 2 लाख रुपए का खर्चा है इन आईएएस प्रिपरेशन, हर साल 2 लाख का खर्चा है। तो आप चिल बैठे हुए हैं, क्यों, 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आराम से देखेंगे यार, 5 ईयर पंच ईयर की योजना लगा करके पढ़ाई करेंगे, सेलेक्ट हो गया, बढ़िया, मजा आ जाएगा। अब क्या होता है कि आपका अचानक से तबीयत खराब हो जाता है, आपको डेंगू हो जाता है, और इन डेंगू आपके 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, और आप ऑलरेडी 2 साल ऐश काट चुके होते हैं, तो आपके पास पैसा कितना बचा, 6 लाख रुपए आपके खत्म हो चुके हैं। नाउ यू हैव ओनली 4 लाख रुपीज, बट नाउ यू हैव अ टेंशन इन योर माइंड कि यार जैसे डेंगू में 2 लाख खर्च हो सकता है, वैसे ही कहीं और कुछ इमरजेंसी आ गई तो खर्च हो सकता है। तो अब आप क्या करते हैं कि नाउ यू मेड अ शेड्यूल, आपने एक शेड्यूल बनाया और आपने पढ़ाई लिखाई तेज कर दी। क्यों? क्योंकि अब आपको डर सताने लगा है, लेकिन अभी भी आप क्या है सरप्लस में है। आपने एग्जाम दिया लेकिन अभी भी क्या है उतना ज्यादा आप सीरियस नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगेन पैसा आपके पास था। अब क्या हुआ, पैसा आपके पास उतना नहीं बचा है, अब आप क्या है 2 लाख रुपए मंथली, मतलब कि साल का चाहिए थे आपको प्रिपरेशन करने के लिए। नाउ यू हैव ओनली 180, 1,80,000। आपने क्या किया, 20,000 रुपए लोन लिया, 20,000 रुपए उधार लिया कहीं से, और आपने क्या किया, अब प्रेशर ज्यादा है। क्यों प्रेशर ज्यादा है? क्योंकि एक सिलेक्शन नहीं हुआ तो 20,000 जिसे लिए वो आकर के मुझे मार डालेगा। तो आप क्या है फटाफट, मतलब जितना आप अपना 100% दे सकते थे उतना 100% दिया, और आपने जो है यू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो अब क्या हो गया, क्यों आपने 100% दिया, क्योंकि आप डेप्ट में थे, मतलब कि आपका खर्चा ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, एक्सपेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम। तो इस वजह से क्या है 100%, मतलब कि कंपटीशन बहुत अच्छा जनरेट हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि फिस्कल डेफिसिट को 3% पर रखना है, बिकॉज इट विल मेक अ हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बनती है इससे। लेकिन वही तब हेल्दी कंपटीशन है तो 3% क्यों, 13% 15% रख लेते हैं। अब जरा ये बताइए, आपके पास 1 लाख रुपए है, या मान लेते हैं कि आपके पास 50,000 रुपए है, ठीक है, आपने 1.5 लाख रुपए जो होता है लोन ले लिया, एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग। अब आपके दिमाग में कभी भी प्रिपरेशन नहीं चलेगी, आपके दिमाग में क्या चलेगा, कैसे 1.5 लाख रुपए को हम वापस लौटाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन तो हो ही नहीं रही है, आपके दिमाग में केवल केवल यही चल रहा है कि डेप्ट को कैसे लौटाना है। तो आप अल्टीमेटली क्या होगा, एग्जाम में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दिस इज आउट द थिंग इज कि ज्यादा कभी भी लोन नहीं होना चाहिए, लोन हमेशा लिमिटेड होना चाहिए, एंड इट शुड ऑलवेज मेक यू प्रेशराइज कि कैसे गेट थ्रू होना है, कैसे लोन देना है। आपको इतना लोन कभी नहीं लेना है कि वो आपके लिए बर्डन बन जाए कि यार कैसे लौटाएंगे हम, तो यार डेप्ट ट्रैप में फंस गए हैं, खत्म हो गया सिचुएशन। तो दिस इज आउट द थिंग इज, इसीलिए थोड़ी सी निगेटिव रखी जाती है, और इसी निगेटिव के लिखने में आती है हमारा टर्म इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, क्यों, इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी क्यों, इसलिए
क्योंकि इट इज अगेन मेकिंग अ कंपटीशन, अगेन एक कंपटीशन बना रहा है। जैसे मान लेते हैं 10 मैगी है, ठीक है, चार शॉप्स हैं, सॉरी मैगी छोड़िए, चार शॉप्स हैं, फोर शॉप्स, 1, 2, 3, 4, 50 कस्टमर हैं, 50 कस्टमर हैं, तो 50 कस्टमर पे क्या होगा, सारे आपस में अट्रैक्टिव प्राइस लगाएंगे, और अट्रैक्टिव प्राइस लगाने में क्या होगा, कम से कम लगाएंगे, कम से कम लगाने में क्या होगा कि कस्टमर जिसके पास कम मिलेगा प्राइस उसी में फटाफट चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, इन्फ्लेशन तो आया लेकिन दिस इज हेल्दी, ये हेल्दी है। लेकिन अगर मान लीजिए 50 कस्टमर 50 दुकानें, कोई भी कोई अट्रैक्टिव प्राइस लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, सबको पता है यार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक बंदा तो आएगा ही खरीदने, तो नो कंपटीशन एट ऑल। यानी कि इन्फ्लेशन मुझे हल्का फुल्का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी हल्का फुल्का इन्फ्लेशन को रखने के लिए उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, अ सेंट्रल बैंक हैज अ एक्सप्लिसिट टारगेट इन्फ्लेशन रेट चेंज, गवर्नमेंट एंड आरबीआई एग्रीज ऑन कन्वर्जेंस विद फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मतलब जो भी फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब चीजें होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जैसे एमएसएफ हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। इन दोनों तरीके से इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो कर्जा हो गया और ये हो गया इकोनॉमी में पैसा, और दोनों के दोनों मिलाकर के कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को ही इंपैक्ट कर रहे होते हैं, तो इन्फ्लेशन के जरिए हम लोग कर लेते हैं। वैसे हम लोग इन्फ्लेशन टॉपिक जब देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी इन सब चीजों की, तो हम लोग इन्फ्लेशन में ही ज्यादा अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो ये आपका रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट है, दीज आर बीइंग डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहले ये आरबीआई होती थी, अब ये आरबीआई की जगह पे एमपीसी बना दी गई है, जो कि अगेन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये डिसाइड कर रही होती है कि रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, एमएसएफ कितना होगा, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। अगेन ये हम लोग जब इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ेंगे तभी हम लोग ज्यादा अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट होता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, दिस विल बी सीन इन द नेक्स्ट क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। काफी लंबी हो गई है बॉडी, मतलब वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद से देखते हैं क्या चीज है, ठीक है, सारे के सारी चीजों को तभी देखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और फिलहाल अभी 2 बजे के 2 PM वाली क्लास, 2 PM की जो क्वेश्चन आंसर के लिए जो क्लास है, वो आप लोगों को अभी मैं इसकी क्वेश्चन जो होती है वो ड्राइव पर अपलोड कर देता हूँ, आप लोग उसको डाउनलोड करके फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। 2 बजे हम लोग मिलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे टेलीग्राम लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, डाउट पूछिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, वन थिंग अगेन, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ था भूटान वाला, कि भूटान से हम लोग क्या है पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर दे रही है इंडिया, और उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी बन जा रही है, हम लोग उनसे पैसा वापस नहीं ले रहे हैं, हम लोग उनसे इलेक्ट्रिसिटी वापस ले रहे हैं। तो देखिए, वी आर टेकिंग कैपिटल, वी आर नॉट टेकिंग रिवेन्यू, वी आर टेकिंग कैपिटल, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज अ फॉर्मेट ऑफ कैपिटल, और ये है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में हम लोगों ने बात किया था, दो तरीके होते हैं, एक होता है जो डेप्ट क्रिएटिंग होता है, तो डेप्ट क्रिएटिंग तो है नहीं, दिस इज नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, तो बिल्कुल हो गया, इट इज नॉन डेप्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, दिस इज नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो गया, क्लियर, बिल्कुल जो हर्षित बोल रहे थे सही बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।